अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे आपको अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और बीमार हो जाते हैं। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप इस मौसम को काफी बढ़िया तरीके से इंजॉय करोगे। नंबर वन, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जब भी कभी सर्दियों में बाइक चलाते हो या फिर बाहर कहीं पैदल घूमने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको दांतों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। यह जस्ट एक नॉर्मल बात है, बट इसका रीजन विंटर के टाइम चलने वाली ठंडी हवा होती है जो सीधा हमारे दांतों की नसों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से यह दर्द होता है। अगर आपको इससे बचना है तो आप अपने मुंह के चारों ओर एक स्कार्फ लपेटें, जिससे आपको सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगी और आपका सर पूरी तरह से स्कार्फ से कवर हो जाएगा और आप काफी गर्म फील करोगे। नंबर टू, ज्यादातर लोगों के साथ यह होता है कि जो पहले सुबह के टाइम वर्कआउट करते थे वो अब सर्दी की वजह से यह सब नहीं करते। अगर फिर भी आप ठंड को इग्नोर करके यह सब करते हैं तो बेस्ट बात है, पर अगर आप यह सब नहीं करते तो आपको घर पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और बॉडी फिट रहती है। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि ठंड के मौसम में हमारी स्किन के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गर्मी के मुकाबले। अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में बैठे रहते हैं या फिर कोयले जलाते हैं तो इससे आपकी स्किन सूख जाती है, जिससे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है। बट सर्दी में आपको धूप में बैठना चाहिए, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है। बेटर होगा कि आप अपनी स्किन के लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट यूज करें, जिससे आपकी बॉडी की स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनी रहे।